बस्तर जिला प्रशासन ने जगदलपुर नगर निगम के अधीन आने वाले 11 ग्राम पंचायतों को नजूल घोषित कर दिया है। दरअसल जगदलपुर शहर के इन गांवों के नजूल घोषित नहीं होने से प्रशासन और निगम को यहां विकास कार्यों को पूरा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने बताया कि नजूल ग्राम पंचायत घोषित होने से अब इस क्षेत्र में आसानी से विकास कार्यों को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि नजूल ग्राम पंचायतों में सीधे तहसीलदार का दखल होता है, ऐसे में नजूल भूमि पर कब्जा आसानी से नहीं हो पाता। मुझे याद है कि जब मैं शुरू में ज्वाइन किया था लगभग साल भर पहले, उस समय जो है बड़ी संख्या में हमारे जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं या फिर जनप्रतिनिधि लोग हैं, इस संबंध में चर्चा किया था। नगर निगम क्षेत्र के जो उस क्षेत्र के पार्षद लोग हैं उन लोगों के द्वारा भी ये मांग आई थी। नजूल रिकॉर्ड्स खोने से क्या है, सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि रिकॉर्ड्स का दुरुस्तीकरण हो सकता है और हमारे पास जितने शासकीय ज़मीन है उसका बेहतरीन ढंग से हम लोग मैनेजमेंट कर पाएंगे और फाइनली जो है अपना राजस्व के आय में भी वृद्धि होगी। शहर में बेहतरती तरीके से जो कब्जा करने का जो सिलसिला रहता है उसके ऊपर भी लगाम लगाने का बड़ा फ़ायदा होगा और कोशिश यही किया जाएगा कि रिकॉर्ड्स का जो संधारीकरण जो है वो अच्छे से हो। और चूँकि राजस्व क्षेत्र के होने से वहाँ पे जो पटवारी जो है राजस्व के लिए आंसरेबल होते हैं, अभी नजूल तहसीलदार को आंसरेबल हो जाते हैं तो मैन पावर भी बढ़ जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए इस पहल को किया गया। कलेक्टर ने कहा कि नजूल भूमि घोषित होने से राजस्व आय में भी बढ़ोतरी होगी।